हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल इट्स मी को विथ ए न्यू रेसिपी। जैसे अभी आप सबको पता है कार्तिक महीना चल रहा है, हम लोग जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज ये महीने में नहीं खाते हैं। बट जैसे ही हम बहुत फूडी जो लोग होते हैं, नॉन वेज जब नहीं खाते तब और भी अच्छा अच्छा खाने का मन होती है। मैं सोच रहा हूँ आज मैं छोले भटूरे बनाऊंगी। और ये जो भटूरे है उसको गरम गरम खाने के लिए अच्छा लगता है, और अभी हम रेस्टोरेंट में जाके बैठ के नहीं खा सकते हैं, और उसको अगर पार्सल करके घर लेके आएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मेरे वर्जन वाला जो भटूरे है वो बनाऊंगी, और मैदा में यूज नहीं करूंगी, आटे में मैं बनाने के लिए ट्राई करूंगी। हम चलिए बनाते हैं जो मेरे वर्जन वाला छोले भटूरे, मैं दिखाती हूँ। पहले हम भटूरे को गूंद के उसको रख देंगे, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम रखना पड़ता है, लाइक 1 आवर 2 आवर भी लोग रखते हैं, मैं तो 1 आवर ही रखूंगी, और उसके बीच में मैं छोले बना के आपको दिखाऊंगी। सो भटूरे का प्रिपरेशन करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं। अभी हम आटे के बीच से थोड़ा खाली कर देंगे, और उसके बीच में हम लोग नमक डाल देंगे, सोडा डाल देंगे, और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे, और 2-3 स्पून ऑयल डाल देंगे, और मेरे पास ये छोटा स्पून में मैं 3-4 स्पून दही ले रही हूँ, बड़ा स्पून होगा तो आप 2 स्पून ले सकते हैं, और उसको बीच में इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे, और थोड़ी सी गुनगुने पानी में इसको अच्छे से गूंदेंगे। 8-10 मिनट गूंदने के बाद उसको पूरा एक सॉफ्ट डो बना के उसको हम थोड़े टाइम के लिए 1-2 घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे। और ये जो भटूरे छोले भटूरे है ये नॉर्मली इंडिया के नॉर्थ साइड में लोग खाते हैं, और इसका ओरिजिन हम इंडिया नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी खाते हैं। अभी इसको हम लोग सॉफ्ट डो बना के इसको एक कपड़े में ढक के हम 1-2 घंटा रख देंगे, और उसके बीच में हम लोग छोले का प्रिपरेशन कर देंगे। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के लगा के मैं कपड़े में ढक के रख दूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं छोले के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है। तो ये मैंने छोले को रात भर भिगा के रखा था पानी में, और सुबह उसको बॉयल किया है, और वो बॉयल्ड वाला जो छोले है उसमें से थोड़ा सा मैंने दूसरे में रखा है। इसको मैं जब छोले होने को आएगा तब मैं पेस्ट बना के उसमें डालूंगी, ताकि वो ग्रेवी थोड़ा ढावा जैसा ग्रेवी रहे। और उसके लिए मैंने ये लिया है टमाटर और ओनियन, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली, ये सबको मैं मिला के पेस्ट करूंगी। अगर आप चाहो तो पहले ओनियन फ्राई कर सकते हैं, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, फिर टमाटर प्यूरी डाल सकते हैं। तो मैं सब एक साथ कर रही हूँ, और ये तो हम बाद में यूज करेंगे। और ये मिंट लिप क्यों लिया है वो मैं बताती हूँ। नॉर्मली हम लोग ये छोले मसाला यूज करते हैं, राइट। तो इसका मैंने इंग्रेडिएंट्स जस्ट देखा अभी 10-15 मिनट पहले, तो उसमें जो जो चीज है ऑलरेडी वो सारे मसाला मैं यूज कर रही हूँ। लाइक ये देखिए, जो खड़ा गरम मसाला है, और मेथी लीफ है जो कसूरी मेथी है, और आमचूर पाउडर ऑलरेडी मेरे पास है, और मिंट लीफ फ्रेश मेरे पास था। तो मैं सोच रही हूँ जो जो चीज़ उसमें डाला हुआ है वो ये छोले मसाला में, जिससे वो ये बना है, अगर वो सारे चीज़ मेरे पास है तो मैं इसको ऐड नहीं करके बनाती हूँ और बताती हूँ ये कैसे लग रहा है। अगर ये मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको बोलूँगी टेस्ट करके, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली बनाइए। और कोई कोई छोले को कलर आने के लिए टी बैग यूज करते हैं, तो मैं टी बैग नहीं यूज कर रही हूँ, मैं एंड में थोड़ा सोया सॉस डालूंगी, देखती हूँ कलर कैसे आ रहा है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी पैन गरम हो गया है ऑयल, उसमें हम लोग अभी खड़े मसाले सब डाल देंगे, और उस पर थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी अभी, और फिर उसमें मैंने एक्चुअली जो सारे पेस्ट बनाया है उसमें मैंने मिंट लीफ भी पेस्ट कर दिया है 2-3 पत्ते, तो अभी उसको डाल दूंगी, और फिर नमक थोड़ा सा डाल देंगे हम, फिर मैं थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालूंगी, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, और आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और अभी थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे, और अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक उससे ऑयल ना निकल जाए। फिर उसमें हम लोग थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे,
जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी आमचूर पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और हमेशा मीडियम फ्लेम में करना चाहिए। और जो कटा हुआ अदरक और मिर्ची मैंने रखा है वो एंड में तड़का के लिए मैंने रखा है। और अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर वो छोले को हम लोग डाल देंगे और अच्छे से मिक्स होने देंगे। और अभी मैं पानी थोड़ा सा डालूंगी और सब्जी के बीच में मैं हमेशा गर्म पानी डालती हूँ, क्योंकि ठंडा पानी डालने से उसके अंदर का जो टेम्परेचर इनबैलेंस हो जाता है। और उसको थोड़े टाइम छोड़ने के बाद ये जो थोड़ा सा अलग मैंने रखा था छोले, उसको ग्राइंड करके मैं उसमें डाल दूंगी ताकि ग्रेवी थोड़ा अच्छे थिक बने और भटूरे के साथ अच्छा लगे। और अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी और थोड़ा पानी मिक्स करके वो जार में मैं डाल दूंगी। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी थिक चाहिए या पतला चाहिए, अकॉर्डिंगली आप पानी डालिए। और अभी मैं उसमें सोया सॉस डालूंगी कलर के लिए। लोग टी बैग भी यूज करते हैं, बट मैं अभी सोया सॉस डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा कलर डार्क आ जाएगा। और फिर उसको मिक्स कर दूंगी। अभी हो गया ऑलमोस्ट। फिर ऊपर से मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी, क्योंकि कसूरी मेथी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हो जाने के बाद उसको एक बाउल में निकाल के मैं तड़का, एक तड़का लगाऊंगी उसमें। मुझे तड़का बहुत पसंद है। उसके लिए मैं थोड़ा सा हींग लिया, अदरक लिया, मिर्ची लिया और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर। जो छोले मसाले यूज करेंगे वो छोले मसाले उसमें डाल सकते हैं। और उसको उसके ऊपर मैं तड़का लगा दूंगी। और ये रेडी हो गया मेरे छोले मसाला। और सो अभी आटे को 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है, अभी देख लेते हैं। और उसको थोड़ा सा और हाथ लगा देना है। और साइड में ऑयल भी गर्म हो गया है। और अभी इसको आप कोई भी शेप में बना सकते हो, तो उसको अभी आप राउंड में भी बना सकते हो। मैं तो अभी थोड़ा ओवल शेप में भटूरे को बनाऊंगी। सो अभी उसको मैं आराम से थोड़ा सा, आप बस वो वाला आटा, गेहूं का आटा मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग मैदा से कर रहे हो वो मैदा यूज कर सकते हो। तो उसका ओवल शेप में मैंने किया। अभी उसको थोड़ा सा उसमें देखते हैं आराम से। और उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर से दबाना है ताकि वो अच्छे से फूके। और जैसे देख रहे हैं बहुत अच्छा से फूक गया है, क्योंकि दही था ऑलरेडी फर्मेंट होता हो गया था और थोड़ा सा मैंने सोडा भी ऐड किया था। तो ये बहुत अच्छे से फूक रही है। और ये हो गया हमारा भटूरे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और उसको थोड़ा सा दोनों साइड अच्छा होना चाहिए। चीनी डाल लेते तो उसका कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है और क्रिस्पी भी होता है चीनी के वजह से। और उसको अभी हम निकाल देंगे। और अभी फिर हम दूसरे भटूरे डालेंगे उसमें। सो अभी दूसरा भटूरा को भी आराम से करके उसको उसमें धीरे से डालेंगे। और उस सेम प्रोसेस में फिर उसको थोड़ा दबा के फिर उसको पलटाएंगे, तो दोनों साइड जैसे अच्छे से होना चाहिए। और ये भी हो गया हमारा ऑलमोस्ट। तो उसको हम प्लेट में निकाल देंगे। और फिर मैं थोड़ा छोले निकालती हूँ और ये मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगी कि अभी ये कैसे लग रहा है। सो मैं ये अभी टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे लग रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि आटे में बनाने से ये पूरी कुछ, ये भटूरे कुछ खराब हुआ है। दही डाला था इसीलिए अंदर से सॉफ्ट है और ये ऊपर से क्रिस्पी भी लग रही है। मुझे ठीक लग रहा है। और उसमें आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते थे। वो मैं और कभी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, वो ढाबा स्टाइल वाला जो छोले होता है। बट ये भी कुछ खराब नहीं लग रहा है। और 100% आप इसको ट्राई कीजिए। और मैदे की कोई जरूरत नहीं है, आटे में बनाइए और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। और हाँ, ये टी बैग यूज नहीं किया है तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क नहीं हुआ है, बट सोया से बहुत फर्क पड़ा है। और ये लास्ट में ये तड़का जरूर दीजिए। तड़का का इम्पोर्टेंस बहुत है हर
किसी डिश में जिसमें तड़का लग सकता है, तो ये ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लग रहा है मुझे। थैंक यू, जय जगन्नाथ।